इट इज़ एक्चुअली हार्ड टू सी लाइक हाउ टुडेज गवर्नमेंट इज़ डूइंग हाउ टुडेज गवर्नमेंट इज़ बिहेविंग लाइक जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए वो काम तो खुद करते नहीं हैं ठीक है थीके? मतलब फालतू की बयानबाजी फालतू की बकचोदी की मतलब कुछ भी करेंगे हम हमारा प्रधानमंत्री साल नगर पालिका का भी इलेक्शन होगा उसमें भी जाकर के रैली कर सकता है बट लोगों की हेल्प के लिए जो इंसान काम कर रहे हैं मतलब खुद तो करनी ही नहीं है हेल्प जो इंसान उनकी हेल्प कर रहा है साला अपने घर की चीज़ें गिरवी रख के अपनी चीज़ें वो बेच बेच के लोगों की हेल्प कर रहा है इस कोरोना की सिचुएशन में उसके घर पे रेट डाली जा रही है कि तू लोगों की हेल्प कैसे कर रहा है और वैसे ये इनसिक्योरिटी समझ में भी आती है क्योंकि देखो सीधी सी बात है भैया अब जो काम जिसको करना चाहिए अब वो नहीं कर रहा है और उसके जब जबकि उसके पास पावर है और जिसके पास पावर नहीं है वो कर रहा है तो अब जनता तो पूछेगी बेटा तुम्हारे पास में पावर थी तुमने तो घंटा कुछ नहीं किया है ये जो इंसान जिसके पास कोई पावर नहीं जिसने केवल पैसे से अपना जो भी अपना कमाई की वो कमाई लगा कर के उसने लोगों की इतनी हेल्प की और जिस टाइम पर तुम सब बैठ गए थे घर के अंदर अरे हमसे नहीं हो पाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा उस टाइम पर वो बाहर आ कर के उसने खुद के पैसों से खुद के सारे साधनों से उसने सब लोगों को उनके घर सुरक्षित पाया जो काम तुम लोगों का था तो ये इनसिक्योरिटी देखने को मतलब अच्छा लगता है कि हाँ इनसिक्योरिटी होनी चाहिए बट बुरा लगता है कि मतलब एक ऐसे इंसान के साथ में ऐसा हो रहा है जो देश के लिए इतना अच्छा कर रहा है लोगों के लिए इतना अच्छा कर रहा है लोगों की उस टाइम पर हेल्प की जिस टाइम पर तुम सब पीठ दिखा करके भाग गए थे और अब उसी के घर पर तुम रेड डलवा रहे हो इसका कनेक्शन इससे भी हो सकता है क्योंकि देखो भैया वो जो है ना वो दलाली नहीं करता है अब जैसे कगना रनौत है उसने प्रोपोगंडा फैला के उसने जो है दलाली करके तुम्हारी चाट चाट के उसको तुमने जेड सिक्योरिटी दे दी हुं? कि अरे नहीं नहीं मुंबई जाएगी उसको जो है जेड सिक्योरिटी चाहिए दस पंद्रह बॉडी गार्ड्स इधर उधर घूम रहे हैं पुलिस वाले इधर उधर घूम रहे हैं कि मैडम को टच ना हो जाए कुछ जो इंसान देश के लोगों की एक एक चाहे गरीब हो अमीर हो वाला कोई भी हो एक एक इंसान के लिए क्या नहीं किया उसने उसके घर पे तुम रेट डलवा रहे हो कि तू कर कैसे रहा है दिस इज रियली शेमफुल अगर तुम लोग इस चीज़ को भी अगर तुम लोग सपोर्ट करते हो कि नहीं नहीं ये चीज़ सही है तो शेम हो नहीं हो ये दलाली ये अंधभक्ति ये चीज़ें बंद कर दो नहीं तो आने वाला टाइम दूर नहीं है जिस टाइम पर तुम्हारा अभी देखो क्योंकि पता है चाटने से कुछ नहीं कुछ नहीं मिलेगा ठीक है क्योंकि कंगना रनौत को इसलिए सिक्योरिटी मिल गई क्योंकि वो उसके फेमस थी इसलिए तुम घंटा फेमस नहीं हो ठीक है तो चाटने से तो कुछ नहीं मिलेगा चीज़ें बाद में अब अपने बाप से एक बार जा के पूछना कि कैसे हालत तो कर रखी है गवर्नमेंट ने उनकी समझे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना तुम्हारा काम है वो सोनू सूद कर रहा है लोगों जब जिस महामारी के टाइम पर जिस टाइम पर तुमने बिना सोचे मतलब लॉकडाउन लगाना अच्छी चीज थी बट बिना सोचे बिना किसी इंतजाम के तुमने जो लॉकडाउन लगा दिया लोग सड़कों पर मरने के लिए आ गए तुमने एक हेल्प नहीं भेजी लोगों के लिए उस टाइम पर वो बंदा आ गया उसने अपने दम पर जितना कर सका उसने किया जो काम तुम्हारा था उसने किया जिस टाइम पर ऑक्सीजन के क्राइसिस हुए तुम साले तुम इस चक्कर में पड़े रहे कि इस स्टेट को भेजेंगे इसको कम भेजेंगे जिसको जरूरत से अपने जो बीजेपी के रूल्ड स्टेट्स हैं उनकी जरूरत से भी ज्यादा उन्हें भेजेंगे और यूपी में तो इतना भी अच्छा था कि अगर तुमने अगर कंप्लेंट कर दी तो तुम्हारे ऊपर यू लग जाएगा मतलब जो टेररिस्ट के ऊपर लगता है केस वो तुम्हारे ऊपर लग जाएगा इट्स फनी बट इट इज द सैड रियलिटी ऑफ टूडेज गवर्नमेंट एंड टूडेज एडमिनिस्ट्रेशन वट जो कि देखो पता है क्या है मेरे इस वीडियो से कुछ नहीं होने वाला बट वही चीज है हम सबको इस चीज के लिए जागरूक होना पड़ेगा कि कौन देश के लिए सही है कौन सही नहीं है तुम डेली डेली आकर के ये बोला अरे पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो हर मैंने ये चीज देखी है जितने भी न्यूज चैनल जहां भी डिबेट होगी कि पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो या फिर हिंदू मुस्लिम तुम देश के अंदर कास्टसिज्म कम्युनलिज़म uh, ये चीज़ें बढ़ा रहे हो और जा, जैसे तुम्हारे तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता था कि सर वो जॉब्स का क्या हुआ तुम्हारा मुंह बंद हो जाता कि देख 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 पाकिस्तान ये कर रहा है पाकिस्तान से तो बेटर है जब जब भी कोई ये पूछ रहा था कि सर तेल के इतने प्राइस बढ़ रहे हैं क्या सिस्टम क्या इतनी महंगाई कैसे देख 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 अब ज़्यादा जा, तक को अगर बढ़ रहा है तो तू तालिबान ज्वाइन कर ले जाके तू अफगानिस्तान में चला जा वहाँ नहीं बढ़ेंगे ये तो हमारे पास में हमारे देश के जो जिमे जिनके पास में जिम्मेदारी सौंपी गई है वो लोग ये कर रहे हैं फनी एट द सेम टाइम रियली सैड लाइक किन हाथों में ये देश है कैसे इन लोगों से डेवलपमेंट की तुम सोच रहे हो कैसे तुम सोच सकते हो कि ये लोग डेवलप करेंगे कंट्री जो लोग कम्युनलिज्म फैलाते हैं जो लोग तरक्की के नाम पर ये बोलते हैं कि अरे तो देख बांग्लादेश से अच्छा है देख अब तो भैं जो अब तो यार बांग्लादेश से भी ठीक नहीं है जीडीपी जीडीपी के नाम पर जब जीडीपी के नाम पर जब पूछा जाता है तो हो बोलते हैं अरे वो तो कोरोना के चक्कर में हो गया तुम्हारा साल है जी डी पी से तुम्हारी डाउन जा रही है अठारह में तो भैया जी का वो मतलब वो नहीं था कोरोना तो नहीं था कोरोना ट्वेंटी में आया तुम बहाने बनाते हो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से अगर कुछ पूछ अरे हम तो खाते ही नहीं है प्याज तो ऐसे कैसे हो गए हैं चीज़ें बेच चीज़ें काम करने के बजाय तुम बेच रहे हो मतलब चीज़ें वो, वो ये ये पता है मुझे पता है ये गवर्नमेंट किसकी याद दिलाती है एक ना ए, मे, मेरे गांव में एक मतलब ऐसे कुछ लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं और जब उनके पास पैसा ख़त्म हो जाता है ना तो अपने बाप की ज़मीन को या तो वो उठा देते हैं कि भैया गिरवी रख दी कि चलो ये ये गिरवी रखी हो ये पैसे दे दो मुझे मैं बाद में तुमको पैसे दे करके मैं तुमसे ले लूँगा या फिर उठा करके वो बेच देते हैं कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा आप ये ले लो मुझे पैसे दे दो ये गवर्नमेंट उन्हीं निकम्मे लोगों का एक परफेक्ट मतलब बड़े बड़े रूप में एग्जाम्पल है कि इनकी बस की काम तो नहीं करेंगे बस काम नहीं हो रहा तो चलो गिरवी रख दो या फिर बेच दो बात ख़त्म एक लो मतलब सरकारी स्कूल सरकारी स्कूल मतलब हम, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को आने आगे आना पड़ेगा सरकारी स्कूलों को सरकारी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए मेरा क्वेश्चन ये है सरत दिल्ली गवर्नमेंट अपने दम पर सरकारी स्कूलों को उस लेवल पर पहुंचा दिया कि ये ये रिसेंटली ये न्यूज़ रिपोर्ट है कि लगभग लगभग दो लाख बच्चे वेट कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल छोड़ करके आए हैं वेट कर रहे हैं कि कैसे भी करके उनको दिल्ली के सरकारी स्कूल में उनको पढ़ाई मिल जाए जहाँ पर शिक्षा मुफ़्त है ऐसा क्या डिफरेंस है कि दिल्ली गवर्नमेंट ऐसा क्या कर रही है कि साल प्राइवेट स्कूल वाले प्राइवेट वाले छोड़ के जा रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे को प्राइवेट में पढ़ना ही नहीं है मैं भाई वहाँ पढूंगा जहाँ पर पढ़ाई हो रही है और जबकि फ्री पढ़ाई हो रही है ऐसा बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में काम करने पर वो है ठीक है इसीलिए कहते हैं पढ़े लिखे और गंवारों में यही डिफरेंस होता है वो दिल्ली का सीएम अगर पढ़ा लिखा है तो वो कर पा रहा है ठीक है वहाँ का जो डिप्टी सी है वो कर पा रहा है वहाँ का जो शिक्षा मंत्री वो कर पा रहा है तुम्हारे बस की नहीं है क्योंकि तुम करते नहीं तुम्हारे बस की है ऐसा नहीं है, है। नहीं है, है लेकिन तुम करना नहीं चाहते हो क्योंकि तुम्हान तुम्हारी जो आदत रही है गुंडागर्दी करना कम्युनलिज्म फैलाना दंगे भड़काना तो वही करोगे ना चलो आई नो इससे तुम में बहुत लोग ऐसे होंगे जिनकी फीलिंग्स को बहुत हर्ट हुआ होगा कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया गवर्नमेंट के बारे में ऐसे कैसे वो कर दिया बट रियलिटी है ये दिस इज दैर सैड रियलिटी और ये पता ये ये तुमको जान करके के मतलब पता नहीं तुमको आश्चर्य लगेगा नहीं लगेगा बट मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार एक चीज़ देखो पहले दैनिक भास्कर जैसे जो जो इन लोगों की दलाली नहीं करते उनके ऊपर रेट डाली गई कि अरे ये कहाँ से क्या कर रहे हैं उनके ऊपर रेट डालो ठीक है उसके बाद में आम आदमी पार्टी ने सोनू सूद के साथ में मेंटरशिप का स्कूल्स के अंदर मेंटरशिप मेंटरशिप बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स की जो मेंटल मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर जो जो जिस भी प्रॉब्लम से गुजरते हैं उन लोगों के लिए एक प्रोग्राम लाए सोनू सूद को साथ में लेकर के कि ठीक है सोनू सूद देश की यूथ आएगा ना तो उनको साथ में लेकर के हम जो है एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाएंगे जो स्टूडेंट्स के लिए भले के लिए होगा टीचर्स के भले के लिए होगा उसके बाद में ही आम आदमी पार्टी के ऑफिस पर जो है रेड डाली गई और आज सोनू सूद के यहाँ पर रेड डाली गई है क्या सोनू सूद टेररिस्ट है या फिर टेररिस्ट से वो फंडिंग ले रहा है मतलब इलीगल धंधे कर रहा है जहाँ से उसके पास फंडिंग आ रही है कोई नहीं अगर समझ गए अच्छी बात है नहीं समझे कोई बात नहीं बेटा समझ जाओगे ऐसा तो नहीं है कि समझोगे नहीं ना मन हो समझने का तब भी समझना पड़ेगा क्योंकि जिस हिसाब से ये चीज़ चल रही है ना देखो पता है क्या यार देखो वही चीज़ है यार सपोर्टर तो साले तालिबान के भी हैं तुम बीजेपी के हो कोई बात नहीं आएगा टाइम तुमको भी समझ में आएगा लाइफ में कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है अभी बच्चे हो कोई बात नहीं सबका टाइम आता है चलो बाय पीस